श्री माता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं के लिए एक जरूरी खबर है। श्राइन बोर्ड की बात करूं तो उन्होंने पिछले 62 साल पुरानी एक प्रथा को तोड़ दिया है। अब नए तरीके से जो है श्रद्धालु जो है यात्रा जो है वो कर सकेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि जम्मू के अंदर जितने भी शरणार्थी जितने भी श्रद्धालु पहुंचते हैं जो श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, ये नियम लागू हो जाएगा और फायदा जो है सीधा जो है श्रद्धालुओं को मिलेगा। जितना हो सके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख वीडियो को शेयर करें, ताकि ये जो सूचना मैं आपको दे रहा हूँ, ये खबर जो है तमाम श्रद्धालुओं तक पहुंच जाए। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि माता वैष्णो देवी की यात्रा पर्ची जो आपको मिलती थी वो इतिहास जो है वो बनने जा रहा है। और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बात करूं तो पिछले 62 साल से चल रही यात्रा पर्ची की जगह अब नई तकनीक आयुक्त रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID जो है वो सेवा शुरू करने जा रही है श्राइन बोर्ड। इसके साथ ही नववर्ष के पहले दिन माँ के भवन पर भगदड़ की घटना पर कड़ा संज्ञान लेते हुए बोर्ड प्रशासन ने अगस्त से RFID सेवा अनिवार्य कर दी है। इस सुविधा से यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की दिक्कतें मौके पर ही दूर की जाएंगी यात्री, और ताकि भविष्य में भगदड़ जैसी कोई भी जो संभावना है वो ना बन सके। RFID की बात करूं तो ये कार्ड की तरह होगा, जो पूरी तरह से जो है चिप युक्त है और यो सर्वर के साथ कनेक्ट जो है वो किया जाएगा। इसके लिए कंट्रोल रूम जो है वो अलग से बनाया जाएगा और साथ में कार्ड में श्रद्धालुओं की फोटो के साथ पूरी तरह की जानकारी जो है वो उसमें दी गई होगी। श्रद्धालु यात्रा आरंभ करने से पहले श्राइन बोर्ड के यात्रा पंजीकरण केंद्र से RFID कार्ड प्राप्त करेंगे और इसके साथ ही गेमन इंडिया कंपनी के कर्मचारी व मशीनें लगातार दिन रात मतलब मलबा हटाने का काम में लगी हैं। यात्री पूरी तरह के यो उपरांत कार्ड को माँ वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार दर्शनी जो है या फिर नए ताराकोट मार्ग के प्रवेश द्वार कटरा हेलीपैड या फिर माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर बोर्ड के यात्रा पंजीकरण केंद्र पर वापस जो है वो कर देगा। ये कार्ड जो है वो दोबारा कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि RFID कार्ड की कीमत मात्र 10 रुपये है, लेकिन श्रद्धालु को ये कार्ड निःशुल्क मिलेगा। इसका खर्चा श्राइन बोर्ड स्वयं वहन करेगा। RFID कार्ड का टेंडर श्राइन बोर्ड प्रशासन ने पुणे की एक MTech इनोवेशन कंपनी जो है उसे दिया है। साफ तौर पर एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि तत्काल सुविधा लेने वाले श्रद्धालुओं के अलावा ऑनलाइन पंजीकरण करने वालों के लिए भी RFID कार्ड लेना जो है वो अनिवार्य होगा। श्राइन बोर्ड यात्रा पंजीकरण केंद्रों के साथ दर्शन करने के लिए नए ताराकोट मार्ग के प्रवेश द्वार कटरा हेलीपैड श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन आदि पर और कई जगहों पर यात्रा पंजीकरण केंद्रों की संख्या जो है वो बढ़ाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को RFID कार्ड लेने के लिए इंतजार जो है वो ना करना पड़े। यानी कि पहले जिस तरीके से कोई भी श्रद्धालु देशवर से अगर जम्मू के अंदर पहुंचता था, श्री माता वैष्णो देवी में यात्रा करना चाहता था, तो उसे एक पर्ची दी जाती थी। वही पर्ची जो थी बताता था कि ये श्रद्धालु जो है ये यात्रा कर रहा है। लेकिन अब जो है एक कार्ड दिया जाएगा, जैसे कि आपका एक ATM कार्ड रहता है, उसी तरीके का उसके अंदर एक चिप रहेगी। वो चिप जो है आपको ट्रैक करेगी, कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उससे ट्रैक उस कार्ड से आपको ट्रैक किया जाएगा, लोकेट किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से नववर्ष के पहले दिन ही भगदड़ के कारण कुछ लोगों की मौत जो थी वो माता वैष्णो देवी वहां पर भगदड़ मचने के कारण हो गई थी, उसके बाद कड़ा संज्ञान लेते हुए एक निर्णय को लिया गया है और 62 साल पुरानी जो पर्ची प्रथा थी उसे खत्म कर दिया गया। अब नई टेक्निक जो है टेक्निकल तरीके से जो है श्रद्धालुओं का डाटा जो है वो श्राइन बोर्ड रखेगा, और ताकि जितने भी पंजीकरण केंद्र हैं वहां पर ये चीजें ये कार्ड जो है वो दिया जाएगा। हालांकि 10 रुपये कीमत है, लेकिन ये निःशुल्क जो है श्राइन बोर्ड आप लोगों को देगा। जब आप वापिस आएंगे यात्रा से तो उन्हीं पंजीकरण केंद्रों पर आप इसे वापिस लौटाएंगे। इस कार्ड की खासियत यही है कि ये बार बार जो है ये इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए श्राइन बोर्ड चाहता है कि फिर से भविष्य में किसी प्रकार की आपदा जो है श्राइन बोर्ड के अंदर ना हो, क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है जब, तो वहां पर उस भीड़ को कंट्रोल करना, उनकी लोकेशन को ट्रैक करना मुश्किल रहता है अगर कोई प्रॉब्लम जो है वहां पर हो जाए। तो अब एक नया नियम लिया गया, श्राइन बोर्ड जल्द ही अगस्त से शुरू कर देगा। आप इस टेक्निक को इस नियम को किस तरीके से देखते हैं? जितने भी श्रद्धालु माता वैष्णो देवी हर साल यात्रा करते हैं उन सभी के लिए अहम खबर थी। वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी वीडियो को शेयर करना भूलिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे बाहू एक्सप्रेस पर। आदित्य डोगरा के साथ शुभम लंगे बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।